हेलो गाइस, आज के इस नए वीडियो में आप सबका स्वागत है। तो आज दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का एडमिट कार्ड जारी हो गया है। तो इस वीडियो को हम पूरा फुल प्रोसेस आपको हम बतलाने वाले हैं कि एडमिट कार्ड को कैसे चेक करना है और कैसे आपको डाउनलोड करना है। जो चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आपको हम स्टेप बाय स्टेप आपको हम लाइव चेकिंग करते हैं। तो चलिए, हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और वीडियो को लाइक ज़रूर करिए। चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको सबसे पहले आ जाना है अपने मोबाइल के गूगल या क्रोम में। यहाँ पर आपको सर्च बार में लिखना है SSC। इस तरह का सिर्फ आपको लिखना है SSC लिखकर आपको सर्च मारना है। तो आप जैसे ही सर्च मारते हैं फिर आपको नीचे आना है। फिर यहाँ पर एक वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन का, यानी कि SSC का ऑफिशियल यहाँ पर वेबसाइट आपको देखने को मिलेगा। तो आपको इसी पर क्लिक करना है। तो आप इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको है जो इस तरह का यहाँ पर इंटरफेस देखने को मिलेगा। यहाँ पर आपको स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी SSC का ऑफिशियल वेबसाइट यहाँ पर खुल कर आ जाएगा। फिर यहाँ पर ऊपर में आपको है जो ढेर सारा ऑप्शन यहाँ पर देखने को मिलेगा। यहाँ पर देख सकते हैं होम का है, नोटिस अप्लाई, एडमिट कार्ड आंसर की, रिजल्ट का है। तो आपको है जो एडमिट कार्ड का ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आप यहाँ पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको जो इस तरह का इंटरफेस यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर इसमें सभी रीजन का यहाँ पर लिंक है जो दिया गया है सभी स्टेट का। तो हम इस वीडियो हम सभी का हम देखेंगे। तो सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि इसमें बहुत सारे स्टूडेंट का जो कन्फ्यूजन रहता है, बहुत सारे स्टूडेंट का जो एडमिट कार्ड को डाउनलोड करने में दिक्कत होता है, जो कि उस स्टूडेंट का है जो मालूम नहीं रहता कि कौन सा स्टेट का है जो कौन सा रीजन में आता है, कौन सा स्टेट है जो कौन से रीजन में आता है। तो सबसे पहले उस कन्फ्यूजन को हम दूर करते हैं कि किस किस स्टेट है जो कौन कौन से रीजन में आता है। जो तो यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा गया है कोलकाता वेस्ट बंगाल। तो जो भी स्टूडेंट कोलकाता वेस्ट बंगाल से होंगे, यहाँ पर देख सकते हैं कि लिखा गया है कोलकाता वेस्ट बंगाल स्टेट से होंगे, तो यहाँ पर ये है जो ईस्टर्न रीजन में आता है। तो यहाँ पर क्लिक करके अपना एडमिट कार्ड को चेक करेंगे कोलकाता वेस्ट बंगाल के। और यहाँ पर दिया गया है बेंगलुरु कर्नाटका। तो जो भी स्टूडेंट बेंगलुरु कर्नाटका स्टेट से होंगे तो यहाँ पर क्लिक करेंगे कर्नाटका केरला रीजन पर। फिर यहाँ पर आगे दिया गया है, यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर चेन्नई तमिलनाडु यहाँ पर दिया गया है। तो जो भी स्टूडेंट चेन्नई तमिलनाडु स्टेट से होंगे तो क्लिक करेंगे साउथर्न रीजन पर। और फिर यहाँ पर है जो असम सचिवालय दिसपुर गुवाहाटी स्टेट से होंगे तो यहाँ पर है जो नॉर्थर्न रीजन में आता है, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। और फिर यहाँ पर आगे दिया गया है मुंबई महाराष्ट्र, यह है जो वेस्टर्न रीजन में आता है। तो यहाँ पर क्लिक करके अपना एडमिट कार्ड है वो चेक करेंगे। फिर यहाँ पर दिया गया है अनूपनगर रायपुर छत्तीसगढ़। तो जो भी स्टूडेंट अनूपनगर रायपुर छत्तीसगढ़ स्टेट से होंगे तो क्लिक करेंगे मध्य प्रदेश रीजन पर। और फिर यहाँ पर दिया गया है इलाहाबाद उत्तर प्रदेश, यानी कि जो भी स्टूडेंट इलाहाबाद उत्तर प्रदेश और बिहार से होंगे, यहाँ पर इसमें बिहार नहीं लिख गया है, इसमें इलाहाबाद और उत्तर प्रदेश सिर्फ लिखा गया है, लेकिन इसमें बिहार का भी इसमें लिंक है जो दिया गया है सेंट्रल रीजन में। तो जो भी स्टूडेंट इलाहाबाद उत्तर प्रदेश और बिहार से होंगे तो क्लिक करेंगे सेंट्रल रीजन पर। और फिर यहाँ पर आगे दिया गया है छत्तीसगढ़, यहाँ पर देख सकते हैं जो भी स्टूडेंट छत्तीसगढ़ स्टेट से होंगे तो क्लिक करेंगे नॉर्थ वेस्टर्न रीजन पर। और यहाँ पर आगे दिया गया है न्यू दिल्ली। तो जो भी स्टूडेंट दिल्ली और न्यू दिल्ली से होंगे तो यहाँ पर क्लिक करेंगे नॉर्थर्न रीजन पर। तो अभी तो सिर्फ एक ही रीजन का जारी हुआ है, जो कि अभी है जो कर्नाटका केरला रीजन का जारी हुआ है, और बाकी सभी रीजन का भी एडमिट कार्ड है जो जारी नहीं हुआ है। तो जैसे ही सभी रीजन का एडमिट कार्ड जारी होता है आपको हम फिर से वीडियो बनाकर आपको अपडेट करते रहेंगे। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप जो भी रीजन से होंगे, स्टेट से होंगे, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, आपको सबसे पहले जो अपडेट आपको मिल जाएगा। तो अभी सिर्फ है जो बेंगलुरु कर्नाटका स्टेट का है जो अभी एडमिट कार्ड है जारी हुआ है। तो चलिए इस पर हम क्लिक करते हैं कर्नाटका केरला रीजन पर। तो आप इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको है जो यहाँ पर इस तरह का इंटरफेस देखने को मिलेगा। और फिर नीचे आपको आ जाना है और यहाँ पर देख सकते हैं कि यहाँ पर दूसरा नंबर में आपको दिया गया है क्लिक हेयर टू नाउ द अप्लीकेशन स्टेटस कॉन्स्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2023। और इसमें एग्ज़ाम डेट के बारे में भी यहाँ पर देख सकते हैं कि दिया गया है 14/11/2023 से 3/12/2023 तक, यानी कि 14 नवंबर से इसका एग्ज़ाम है जो स्टार्ट हो रहा है और 3 दिसंबर तक है जो इसका एग्ज़ाम है जो चलने वाला है। चलिए हम इसके ऊपर क्लिक करते हैं।
तो आप इस पर जैसे ही क्लिक करते हैं तो आपको जो यहाँ पर इस तरह इंटरफेस आएगा। फिर है जो आपको यहाँ पर है जो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर इस बॉक्स में आपको डाल देना है, और इस बॉक्स में अपना डेट ऑफ बर्थ डालना है, फिर इस बॉक्स में आपको टी कोड लगाना है, फिर यहाँ पर चेक अप्लीकेशन स्टेटस पर क्लिक करना है। तो आपका है जो अप्लीकेशन का स्टेटस वो दिखा देगा कि आपका अप्लीकेशन है जो रिजेक्टेड हुआ या एक्सेप्टेड हुआ है, और इसमें आपको एग्ज़ाम डेट भी इसमें दिखा देगा कि किस डेट को आपका एग्ज़ाम होने वाला है और किस सिटी में आपका एग्ज़ाम होने वाला है और किस टाइम में आपका एग्ज़ाम होने वाला है, वो भी आपको इसमें आपको दिखला देगा। तो इस तरह का अपना है जो स्टेटस है चेक कर सकते हैं। और बाकी एडमिट कार्ड है जो एग्ज़ाम को 4 दिन पहले है जो जारी होता है, तो एग्ज़ाम को 4 दिन पहले जो एडमिट कार्ड है जो डाउनलोड हो जाएगा। अभी सिर्फ अभी स्टेटस ही जारी हुआ है, अपना स्टेटस है जो देख सकते हैं। तो बाकी और सभी रीजन का भी जारी नहीं हुआ है, जैसे ही सभी रीजन का अपडेट होता है तो आपको हम अपडेट करते रहेंगे। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। अगर आपको किसी भी तरह का दिक्कत परेशानी होता है एडमिट कार्ड को चेक करने में तो कमेंट भी कर सकते हैं, आपको हम रिप्लाई दे देंगे। तो चलिए हम वीडियो को अब समाप्त करते हैं।